नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टोमेटो सॉस बनाएंगे। इसे हम पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, समोसा या पराठे के साथ सर्व करते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, ये अच्छी तरह से पका हुआ है और पल्पी टमाटर है। ये देखिए इस तरह का, हमें इसी तरह का टमाटर चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच लिए है, इससे सॉस का कलर अच्छा आएगा। और जिंजर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, गार्लिक पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटी चम्मच, सिरका 2 बड़े चम्मच और ये लाल मिर्च लिए हैं 2। आप इसके जगह लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। और चीनी 100 ग्राम। आप ज़्यादा मीठा सॉस पसंद करते हैं तो थोड़ा बढ़ा लें। तो चलिए सबसे पहले टमाटर को काट लेते हैं। तो एक टमाटर को 7-8 पीस काट लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से सारे टमाटरों को काट कर रख लेंगे पहले। तो देखिए सारे टमाटरों को काट लिए हैं, अब इसे हम पकाएंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर पैन रखकर गैस ऑन कर लिए। अब सारे टमाटरों को डालकर और पकने देंगे ढककर। और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से चला देंगे 1-2 बार। और गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं और फिर से ढक देंगे। तो देखिए देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से, इसके ऊपर जूस निकल आए हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुके हैं, अब इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। देखिए सारे टमाटरों को पीस लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम छानेंगे। तो नीचे एक बॉल डालकर और ऊपर से कोई जाली डालकर और इस तरह से इसमें डालेंगे और छान लेंगे अच्छी तरह से पहले, ताकि हमें पल्प मिल सके और बीज और छिलके अलग हो जाए। देखिए इस तरह से चलाते हुए छानेंगे। तो अब ये अच्छी तरह से छन गए हैं। देखिए सारे छिलके और बीज ऊपर रह गए हैं और पल्प नीचे आ गए हैं। अब इसे हम पकाएंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन कर लिए हैं और पैन रखकर इसमें पल्प डाल देंगे और एक पैचुला की सहायता से इसे चलाएंगे। और इसी वक्त चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि हम टमाटर पकाते समय बिल्कुल पानी नहीं डाले थे तो सॉस बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसे हम चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद ये सिर्फ पल्प और चीनी है, इतने ही में इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च लिए थे उसे हमें टमाटर पकाते समय डालना था, वो मैं भूल गई हूँ। तो अब इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, ये 1 छोटी चम्मच लिए हैं, क्योंकि मैं तीखी सॉस बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। काला नमक, सफ़ेद नमक,
अदरक पाउडर, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, इससे कलर और अच्छा आ जाएगा सॉस का, ये तीखी नहीं होती है। अब हम सारे चीज़ों को मिलाते हुए 2-3 मिनट और पका लेंगे। आप चाहे तो इसी कंसिस्टेंसी तक रख सकते हैं सॉस को, लेकिन 2 मिनट पकाने के बाद हमारा सॉस ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। ये 2 मिनट पका लिए हैं सॉस को, गैस बंद कर देते हैं और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा सॉस परफेक्ट। सॉस को अब ठंडा होने देते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें सिरका डालकर कोई कंटेनर या जार में भर लेंगे। देखिए अब सॉस ठंडा हो चुका है, इसमें सिरका डालकर मिला देते हैं अच्छी तरह से। सॉस में सिरका डालने से सॉस का शेल्फ लाइफ और टेस्ट दोनों बढ़ जाती है। सॉस हम बिना प्रिजर्वेटिव, बिना कोई एडिंग कलर के ही बनाए हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है। ये गाढ़ा भी है, यदि आपको लगे ये गाढ़ा है तो आप यूज करते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा पीने का पानी मिलाकर फिर इस्तेमाल कीजिए। अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर या बोतल में निकाल कर रख लेंगे और हम इस सॉस को फ्रिज में डालकर 2-3 महीने तक चला सकते हैं। यदि आपको इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलाना हो तो आपको इसमें प्रिजर्वेटिव डालना होगा, साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड 1 चम्मच डालकर मिलाने से सॉस लंबे समय तक चलेंगे। मैं तो यही कहूँगी, जब हम इतनी आसानी से सॉस बना सकते हैं घर पर, तो प्रिजर्वेटिव डालकर क्यों खाएं। सॉस को एक सर्विंग जार में निकाल लिए हैं। तो लीजिए हमारा हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस बनके तैयार है। आप भी इसी तरह से सॉस घर पर बना के इस्तेमाल कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।